99.8% मार्क्स, या इसी के पैरेलल प्राप्त करने के लिए एक स्टूडेंट जो आईसीएसए बोर्ड के हैं या आईएससी के, वे क्या करेंगे, यानी कि बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 ऑनवर्ड जो एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए सब्जेक्ट अरेंजमेंट करना होगा। यह वीडियो इसलिए भी काफी काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि यह काउंसलिंग और सलाह देश भर के स्कूलों के सब्जेक्ट टीचरों के बीच में हुए इंटर कन्वेंशन और इंटर डिस्कशन का एक परिणाम रिजल्ट है, जो बताता है कि अनलाइक सीबीएसई बोर्ड, सीआईएसई बोर्ड हैज डिफरेंट ओपिनियन अबाउट द सब्जेक्ट मैटर, हाउ टू टीच देम, हाउ टू असेस देम, मतलब कि मार्क्स कैसे दिया जाए। तो यहाँ पर जो बताया गया है कि स्टूडेंट को अपने सब्जेक्ट की प्री प्लानिंग करनी होगी। अब ये प्री प्लानिंग क्या होती है सब्जेक्ट की, तो जैसे मान लिया जाए कि आप आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तो आपके बेस्ट 5 लिए जाएंगे, इसी तरह से आईएससी के स्टूडेंट हैं तो बेस्ट 4 लिए जाएंगे, आपको टारगेट करने होंगे बेस्ट 4 या बेस्ट 5 सब्जेक्ट पर, और उसको कैटेगराइज करना होगा कि मैथमेटिक्स में आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स चाहिए, फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स, केमिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स, बायोलॉजी में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स, मतलब साइंस सब्जेक्ट आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट को 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स चाहिए, सोशल स्टडीज में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स चाहिए, फिर आपके पास एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, कंप्यूटर है, इकोनॉमिक्स है, या फिर म्यूजिक है, फिजिकल एजुकेशन है, उसमें आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स चाहिए, लैंग्वेज पेपर में मार्क्स 1 या 2 काट लिए जाते हैं, चाहे इंग्लिश पेपर 1 या इंग्लिश पेपर 2 हो, तो उस कंडीशन में स्टूडेंट के जो बेस्ट 5 की कैटेगराइजेशन है आईसीएसई के लिए और आईएससी के लिए, उसको कैसे अचीव किया जाए। यहाँ पर बताया गया है कि सबसे पहले पास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उसको देखिए, इस बार 2023 का एग्जामिनेशन अपने टाइम पर होना है जो बताया गया, और ये टाइम है फरवरी टू मार्च, और इस एग्जामिनेशन को कंबाइंड कर दिया गया है सब्जेक्टिव या सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशन 2022-23, जो कि पिछले बोर्ड एग्जामिनेशन 2021-22 के ही पैटर्न पर है। सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का यह कॉम्बिनेशन बताता है कि स्टूडेंट को सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों को बैलेंस बना के चलने होंगे। तो यह बैलेंस कैसे बनेगा, इसके लिए स्टूडेंट को अपने सब्जेक्ट मैटर को अच्छी तरह से पढ़ना होगा, यानी कि जिस तरह से सीआईएससी ने सिलेबस में रिडक्शन, आईसीएसई एंड आईएससी के तीनों स्ट्रीम कॉमर्स, आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज में कम कर दिए हैं, फर्दर कम करने की स्थिति अभी तक पता नहीं चली है, लेकिन जो अभी की स्थितियां हैं उनमें स्टूडेंट को सिलेबस के हिसाब से एक चैप्टर को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरीके से पढ़ना। आईएससी के जो नीट या फिर कॉलेज मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करें, उनके लिए तो ऑब्जेक्टिव पेपर की तैयारी आसान है, लेकिन सब्जेक्टिव पेपर में मार्किंग है वो स्टेप वाइज होने वाली है। मजे की बात है कि इस बार 20 और 80 का रेशियो बोर्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर होगा, जो सब ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव होगा। इस बात को याद में रखते हुए आप अपनी तैयारी को करें, 100% विश्वास है कि 99% क्रॉस करना दिक्कत की बात नहीं। जैसा ही आप इस चैनल में बने रहते हो तो आपको इन्फॉर्मेशन बहुत सारे मिले होंगे कि किस तरह से मार्किंग दिए जाते हैं। तो इस बात के लिए मेक द ब्लैक थंब ब्लू एंड सब्सक्राइब द चैनल। आईसीएसई एंड आईएससी के जो मोस्ट लाइकली क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन बैंक है, वे आपको सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज दे दिए गए हैं, तो इनको भी आप परचेज कर सकते हैं, जिसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है।